नमस्कार, सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का पुनरावर्तन की क्लास में, रिवीजन की क्लास में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार, जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर एक मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों का लेसन 7वां रिवीजन के तौर पर मैंने चालू किया था। लेसन का नाम है भारतीय अर्थतंत्र, और भारतीय अर्थतंत्र के अंतर्गत हमने अंतिम मुद्दा पेज नंबर 80 पर कृषि का देखा था। उसके बाद मतलब हम लोग जो मुख्य मुद्दा चल रहा है स्वतंत्रता के पश्चात का भारतीय अर्थतंत्र, उसके अंतर्गत हमने दो मुद्दे अब तक देखे थे, एक प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है कृषि। अब तीसरा मुद्दा पेज नंबर 81 पर है, ये सब आंकड़ों के मुद्दे हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को आंकड़ों का दो मुद्दे आंकड़ों के और 2% के, ऐसे 4 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करने का। फिर भी उद्योगों की यदि बात मैं करूं तो आप लोगों को आंकड़ों के अलावा इसमें कोई जवाब बनेगा नहीं, तो कैसे करोगे सर? तो के पहला मुद्दा 1991 में भारत के उद्योग 10.6% लोगों को रोजगार प्रदान करते थे, एक मुद्दा हुआ। और उसी का दूसरा मुद्दा कि 2001 में वो बढ़कर 18.2% जितना हो गया, और 2011-12 में वो क्षेत्र बढ़कर 24.3% जितना हो गया। ये हुआ रोजगार का। उसी क्रम में मतलब तीन मुद्दे, एक 50-51 का, एक 2000 का और एक 2011-12 का, तीन आंकड़े हुए। इसी क्रम में आप लोगों को आय का बनाना है कि भाई इतना ही नहीं, सन 1950-51 में औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का योगदान 16.6% था, बढ़कर 2013-14 के अंतर्गत वो 26% हो गया। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को वर्तमान समय में 2/3 भाग निर्यात द्वारा आय प्राप्त होती है। वास्तव में भारत औद्योगिक देश नहीं बन सका जबकि राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान ये वापस आया, 50-51 में 15%, 80-81 में 24%, 2000 के अंतर्गत 27.3% और 2013-14 में 26.2% जितना रहा। और ये दोनों आंकड़े RBI और CSO नाम की जो संस्था है उनके द्वारा प्रस्तुत हुआ है। इस तरह सेवा क्षेत्र उद्योगों के अंतर्गत का मुद्दा लिखोगे। दूसरा मुद्दा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत की बात करूँ तो उसमें लिखना है 50-51 में भारत के सेवा क्षेत्र का कुल रोजगार में योगदान 17.3% था, जो वर्ष 2001 के अंतर्गत 25.2% हो गया, वर्ष 2011-12 में बढ़कर 51 में 17.3, 2001 में 25.2 और 2011-12 में 27% जितना हो गया। उसी क्रम में
सेवा क्षेत्र का अगर आय में योगदान गिनूं तो 50-51 के अंतर्गत तो उसी तरह से अगर मानो के 50-51 में राष्ट्रीय आय की बात अगर मैं करूं सेवा क्षेत्र की तो 30.3% योगदान करता था जो बढ़कर 80-81 में 38% हो गया, 2000 और 2001 में 50.4% हो गया और 14-15 में 52.7% हो गया। वापस एक बार राष्ट्रीय आय में आपको दो तरह का योगदान लिखना है, आय में योगदान और रोजगार में योगदान, तो दो कॉलम बना लो तो भी चलेगा। रोजगार की बात करूँ तो 50-51 में सेवा क्षेत्र 17.3, 2001 में 25.2, 2011-12 में 27%, उसी क्रम में आय की बात करूँ तो 50-51 में 30.3 बढ़कर 80-81 में 38% और 2001 में 50.4 और 14-15 में 52.7% जितना हो गया। उसी प्रकार एक और मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो जनसंख्या, जनसंख्या की बात करूँ तो वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, बढ़कर 50-51 में 36.1 करोड़ हो गई और 2001 में वो 102.7 करोड़ हो गई और 2011 की जनगणना में 121.2 करोड़ जितनी हो गई। मतलब वापस 1901 में 23.84 करोड़, 50-51 में 36.1 करोड़, 2001 में 102.7 करोड़, 2011 के अनुसार 121.2 करोड़, इस तरह से। और उसका वृद्धि दर अगर आप देखते हो तो भारत का जनसंख्या का वृद्धि दर 1.5% की दर से आगे बढ़ता रहा और ये देश के लिए सबसे चिंताजनक स्थिति का प्रमाण माना जाता है। उसी क्रम के अंतर्गत की यदि मैं बात करूँ तो गरीबी, आगे का जो टॉपिक है वो गरीबी, गरीबी की बात करूँ तो भारत में कौन सी गरीबी अधिक है, MCQ टिक मार्क कर लीजिएगा कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का जो प्रमाण है वो सबसे अधिक पाया जाता है। वर्ष 73-74 में 54.9% लोग गरीब थे, 93-94 में यह प्रमाण घटकर 45.3% हो गया, 2004 और 2005 में घटकर 36.2% हो गया और वर्ष 2011 और 2012 में भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जीने लगे। वापस निरपेक्ष गरीबी की समस्या वाला देश है एक, दूसरा 73-74 में 54.9% गरीबी, तीसरा मुद्दा 93-94 में 45.3% और 2004-05 में घटकर 36.2% और 2011-12 में गरीबी का प्रमाण 21.9% जितना हो गया। निष्कर्ष में क्या लिखोगे सर, तो कि वैसे तो गरीबी का प्रमाण घटा है परंतु इसके बावजूद भी भारत की दारुण गरीबी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से आज हमने स्वतंत्रता के बाद के चार उद्योगों के बारे में देखा, एक उद्योग, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा जनसंख्या और चौथा गरीबी। इन चारों मुद्दों के अंतर्गत केवल आपको आंकड़े ही बनाने हैं कि 50-51 में क्या स्थिति थी, 80-81 में क्या हो गई, 2001-02 में क्या हुआ और 2013-14 के अंतर्गत क्या हुआ। इस प्रकार के मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं और इसी के अंतर्गत आपको रिवीजन MCQ के तौर पर भी याद रखना रहेगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए, पुनरावर्तन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पुनरावर्तन का वीडियो भी आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और पुनरावर्तन के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे संपर्क सूत्रों के द्वारा, फ़ोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।